गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तुम फिट होंगे। सो सुबह के बज चुके हैं 4:30 एंड आई एम जस्ट हैविंग माय कॉफ़ी, बट टुडे इज़ अ शूट डे। सो 6:30 बजे मुझे पहुँचना है फिल्म सिटी। एक कोर्ट का कुछ सीक्वेंस है पहले, वहाँ पे कोर्ट का वहाँ पे शूट करेंगे जाके। सो मैं दिल्ली पुलिस बना हूँ, पंजाब पुलिस बना हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस बना हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज मुझे कौन से राज्य की पुलिस बनाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सेट पे मैं टाइम से पहुंचना है। सो आई जस्ट हैविंग माय कॉफ़ी, देन मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूंगा फ्रूट्स वगैरह का, देन उसके बाद मैं रेडी वीडियो निकल जाएंगे फटाफट से, क्योंकि लेट नहीं होना है। हाय आरवी, वेलकम टू द होम। सो पहुंच चुके हैं शूटिंग की लोकेशन पे, वैनिटी है, बाहर कीचड़ बहुत है तो क्योंकि बारिश की वजह से। सो अभी होंगी धीरे धीरे शुरुआत, अभी कुछ 6:30 बजे, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। सो आज भी टाइम। सो वैनिटी में हमारे पास क्या क्या होता है, आई शो यू। अ मिरर, अ लाइटिंग फॉर द मेकअप्स, एंड ये ऊपर भी लाइटिंग्स रहती हैं, वो सेट, एंड दिस इज द एसी, एंड वन सेकेंड ऑन द लाइट्स, एंड ये दो तीन ऐसी चेयर्स होती हैं बैठने के लिए, एंड अ सोफ़ा फॉर रेस्ट एंड एवरीथिंग। और एक मिरर यहाँ भी होता है ताकि आप ऐसे फुल चेक कर सको खुद को। और इसके अगर यहाँ से इसको ओपन करेंगे, यहाँ से अगर इसको हम, तो इसके वो साइड भी एक और रूम होता है, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। ये जो है ये मेरे वाली एनिटी है, ये दूसरी है कॉन्स्टेबल्स एंड रिपोर्टर्स, उसके अंदर क्या है टेररिस्ट जो टेरेस से ट्रैक्टर प्ले कर रहे हैं वो है, और ये दूसरी वैनिटी, ये तीसरी वैनिटी, एंड अगर बाहर मेन रोड पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी वैनिटी है। एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द ग्रीनरी ऑफ फिल्म सिटी। सो फाइनली दिल्ली पुलिस बनने के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस बनने के बाद, पंजाब पुलिस बनने के बाद, नाउ आई एम फाइनली वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, एंड मैं मुंबई पुलिस का आज करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि मेरा एक बहुत सपना था डे वन से, जब मैंने मतलब एक्टिंग के करियर में कदम रखा था, कि मैं कभी ना कभी मुंबई पुलिस की ड्रेस ज़रूर पहनूंगा, यूनिफॉर्म ज़रूर पहनूंगा, और बड़ा अच्छे से एक्ट को भी करूँगा। एक होता है ना प्राउड मोमेंट आपके लिए, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड, थैंक्स टू द बॉलीवुड जिन्होंने मुझे आज ऐसा मौका दिया एक मुंबई पुलिस के किरदार निभाने के लिए अपने जो भी इनका शो है उसके अंदर। सो जस्ट रेडी हो चुके हैं, स्क्रिप्ट भी पढ़ चुके हैं, मेकअप हो गया है, सब चीज़ हो गई है, बस जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। ये कभी बुलावा आएगा तो जाएंगे, परफॉर्म करेंगे अच्छे से और बातें करेंगे आपके साथ में। नाउ इट्स अ लंच टाइम, चॉकलेट क्रेविंग। सो आई एम द मैन जिसको मुंबई गई नहीं, फिल्म सिटी के अंदर की बहुत सारे रास्ते पता है, लेट मी शो यू अ शॉर्टकट। जो लेफ्ट साइड का सेट है कपिल शर्मा का सेट है ये, और आगे वो कोर्ट रूम है, पुराना थोड़ा भूतिया टाइप हो चुका है, एवरीथिंग लुक लाइक्स अ वेरी हॉरर मूवी सीन। फिनिश जोक्स अपार्ट, सो मेरा भी एक सीन हो चुका है, दूसरे के लिए वेट कर रहा हूँ। तो टोपी लेके मेरे बाल कैसे हो गए अजीब से, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे का सीन टोपी लेके ही है, नथिंग टू वरी। सो ये सीन मेरा एक हो चुका है जिसमें सिर्फ एक मास्टर शॉट हुआ है, क्लोजअप सभी बाकी हैं, पूरी कटिंग होनी बाकी है। कटिंग मतलब क्लोजअप मतलब क्या होता है, चलो ये बता रहता हूँ आपको। एक कोई एस्पायरिंग एक्टर भी मेरी वीडियो देख रहा है, उसके भी काम की है। क्लोजअप शॉट्स में क्या होता है कि आपको इतना ही रखा जाता है, उसके कैमरा के सामने इतना शॉट होता है, थर्मोकोल से नीचे स्लाइड दी जाती है, तो आपको जो होते हैं एक मार्क दे देते हैं कि अगर मान लो आपने उस सीन में चार लोगों से बात की है तो आपको चार मार्क दे देंगे। जैसे कि मान लो भी ये ए है, ये बी है, ये बच्चा छोटा नीचे सी, ये बड़ा नीचे डी, तो मुझे इन चारों को देख के इस तरह से ऐसे ही बात करनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लोजअप शॉट। अभी आप कई बार को एक्टर खड़े उनकी जगह होती है, खड़े होते हैं वो, नहीं जगह होती तो इट्स ओके, यू हैव टू मैनेज, एंड मैनेज हो जाता है, इट्स वेरी इजी।
उसके बाद आता है ओएस। ओएस क्या होता है? ओवर शोल्डर। तो मतलब कि जैसे मेरे पीछे से कैमरा रहेगा, मेरे कान या ये या मेरी बॉडी का थोड़ा सा रेफरेंस लेके मेरे सामने जो एक्टर रहेगा उसका शॉट चलेगा, देन उसके रेफरेंस से अगर दो कैमरा का सेटअप है तो उसके कैमरा से मुझे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, दोनों की बातें, देन दोनों की बातों के दौरान दोनों ने क्या क्या रिएक्शन दिए बातों के ऊपर। तो जैसे होता है ना, कई बार अपन कोई चीज़ गिर गई, अपन रिएक्शन देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। सो वो मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ वो लेंगे, जब वो डायलॉग बोलेंगे, जब मैं डायलॉग बोलूँ तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे वो आता है। देन उसके बाद में आता है टू शॉट में, जैसे मैं यहाँ हूँ, कोई एक्टर मेरे साथ, हम दोनों ही आपसे बातें कर रहे हैं, तो दोनों का फिर ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो दोनों का टू शॉट बना रहते हैं। और ऐसे थ्री शॉट भी होता है, उसमें तीन एक्टर्स होते हैं। देन मास्टर शॉट, मास्टर शॉट में जितने भी एंटायर जो एक्टर्स होते हैं मौजूदा उस सीन के अंदर, तो उन सभी को एक ही मल्टी कैमरा का सेटअप रहता है, दो या तीन या चार कैमरे का सेटअप होता है, तो एक ही टेक के अंदर, एक ही शॉट के अंदर वो जो मास्टर शॉट होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे होता है ना कि जैसे कि बंगले का गेट खुला, पूरा परिवार खड़ा हो गया, देन फिर सबके टू शॉट्स आए, फिर ओएस आए, देन उसके बाद फिर मास्टर में थ्री शॉट आगे किसी के, तो तीन जैसे कि साथ में खड़े हुए हैं, फिर ओवर शोल्डर ओएस चल गया, फिर मास्टर शॉट चल गया। तो वो इस तरह से सीन को मिक्स करके करने के लिए की जाती हैं ये सब चीज़ें, ताकि वो एक अच्छा पिक्चराइज होके आप तक पहुंचे। एंड अभी जो मेरा करेक्टर है इसके अंदर, सेम लास्ट शो को जैसे नाम मिला है मुझे अर्जुन सिंह, उसमें अर्जुन आहूजा था इन परिणीति। सो अभी इसमें क्या सीन है कि एक टेररिस्ट है, उसके साथ मैं उसका केस हैंडल कर रहा हूँ, और जो इसमें जो भाग्यलक्ष्मी, जो लक्ष्मी है जो शो के लीड हीरोइन है, उनका केस है, जो वो एक और इंस्पेक्टर बने हैं हमारे शो के अंदर, वो भी उस सीन में गए हुए हैं। सो वो मेरे रूम में थे, तो वो जो है वो दूसरे वाला सीन कर रहे हैं, भाग्यलक्ष्मी जो लक्ष्मी है उनका केस सॉल्व कर रहे हैं इन द स्टोरी। सो बस ऐसे ही लगे हुए हैं। सो मतलब काइंड ऑफ मैंने तो लास्ट टाइम पुलिस वाले का ऐसा शो किया था कि आज तक पुलिस वाला ही बन रहा हूँ, बट आई एम ग्लैड कि मुझे ये यूनिफॉर्म है, मुझे एक रिस्पेक्ट रहती है कि मतलब अच्छा लगता है पहन के यूनिफॉर्म। सो काइंड ऑफ मतलब कि बोलते ना एक ठप्पा लग गया था कि यू आर ना पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस वाले को चाहिए तो रणवीर को बुला लो। सो दिस इज हैपनिंग विद मी, बट आई एम हैप्पी बिकॉज काम काम होता है, एंड आई रियली दिस इज माई फेवरेट प्लेस। मतलब घर से ज़्यादा मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, अगर मेरी पेश चले मैं यहीं से जिम जाऊँ, वापस आके फिर शूट करूँ और यहीं पे सोऊँ मैं। सो डैट मच आई लव माई वर्क एंड आई लव माई जॉब। एंड आपको भी अपने जो भी आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं या कुछ भी हैं, तो आपको भी ऐसे ही अपने काम से प्यार करना चाहिए। तो स्टोरी को देखने के लिए बने रहिए भाग्य लक्ष्मी के अंदर, आगे मैं और ब्लॉग्स शेयर करता रहूँगा। फुल स्टोरी मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा गाइस, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, प्लस मुझे पूरी स्टोरी का पता नहीं होती है, क्योंकि ऑन स्पॉट स्टोरीज चेंज हो जाती है, सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल। सो फाइनली जो शेड्यूल था हमारा पूरा हो चुका है, नाउ इट्स पैकअप एंड आई एम गोइंग बैक टू द होम। अभी देखते हैं घर जाते थे कैसी एनर्जी बचेगी, अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो जिम जाएंगे पहले, देन ये बाल मेरे फिर से ऐसे हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैप। सो लेट्स सी अब उसके बाद क्या करेंगे घर जाके, या तो जिम जाऊंगा अगर मौका लगा, अगर एनर्जी लेवल अच्छा हुआ तो, अगर एनर्जी लेवल अच्छा नहीं रहेगा एंड आई विल कुक अ नाइस डिनर, ब्यूटीफुल डिनर एंड आई विल हैव एंड आई विल स्लीप। एंड क्योंकि कल सुबह वापस से शूट है, मॉर्निंग कुछ आई गेस 7 बजे की शिफ्ट है फिर से, सो देन आई हैव टू अगेन लीव बाय 6:15 इन द मॉर्निंग। सो अगर पॉसिबल हो पाएगा तभी जाएंगे, नहीं क्योंकि नींद निकालनी बहुत ज़रूरी है। चलो सी यू गाइस, थोड़ी देर मिलता हूँ घर जाके, बाय बाय। सो जो जिम जाने का आइडिया था वो मुझे थोड़ा फ्लॉप लगा, तो मैं जिम नहीं गया हूँ, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अभी बजे हैं कुछ 9 एंड आई जस्ट मेड अ वेरी नाइस डिनर, जिसमें मैंने थोड़े से पोटैटोज डाले, सोया डाले, पीनट्स डाले, राइस डाले, एंड टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर वो सोया वो आती है ना सोया स्टिक्स आती है, वो डाल दी मैंने, क्योंकि तो कभी कभी बहुत ज़्यादा थकार के आते, तो आपको बॉयल बॉयल खाने का मन नहीं करता, तो मन करता कुछ टेस्टी भी हो, तो इसमें हेल्दी भी है, प्रोटीन भी ऑलमोस्ट 30-40 ग्राम के ऊपर ही होगा, वो बनाया वो खाएंगे, देन सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करेंगे। तो गाइस आप भी अपने अपने डिनर एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली साथ में शो जो है उसको एंजॉय कीजिए, एंड तब तक के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ जल्दी ही एक और अच्छे और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।